नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 21 जनवरी को मीरा रोड में जो कुछ हुआ, हालात हुए, आप सभी जानते हैं। उसके बाद में 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था। उस दिन भी वापस मीरा रोड में कुछ हालात बिगड़े, दो समुदाय के बीच कुछ ऐसा निर्माण हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उसका आप सभी को मालूम है। लेकिन उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व है जो लगातार इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे इस तरह से फैला रहे कि जिससे मामला सुलझने की जगह और उलझ सकता है। उसको लेकर पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। पुलिस बार बार जागरूकता फैला रही है कि इस तरह के लोगों के बहकाव में ना आए, किसी तरह की अफवाह में विश्वास नहीं करें। इस समय हम खड़े हैं वसई के माणिकपुर पुलिस स्टेशन में। यहाँ माणिकपुर पुलिस स्टेशन की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक मोहल्ला शांतता कमेटी की मीटिंग रखी गई थी। उसमें सभी समुदाय के लोगों को बुलाया गया था और उनको यही बात कही गई कि आप किसी भी तरह की अफवाह के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जैसा कि लेटेस्ट मामला यह है, एक वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, उसको ये बताया जा रहा है कि वो वीडियो मीरा रोड का है जहां स्टेशन पर आग लगाई गई है, तो वो वीडियो पूरी तरह से फेक है। इस वीडियो के बारे में पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट ने दोपहर के समय में प्रेस नोट जारी करके पूरी तरह से इसका खुलासा कर दिया कि इस तरह का वीडियो कोई वो ओरिजिनल नहीं है, फेक वीडियो है। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आती है, हम सोचे समझे बगैर उन पोस्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पुलिस इन शांतता कमेटी के लोगों को बुलाकर यही समझा रही है कि किसी भी तरह की ऐसी अफवाहजनक पोस्ट आए तो उसे हमें आगे नहीं बढ़ाना है। फिर क्या कहेंगे, मोहल्ला शांतता कमेटी की मीटिंग रखा था, क्या विषय है? नयानगर का जो वाकया हुआ है सिलसिले में, वो मोहल्ला कमेटी और शांतता कमेटी की मीटिंग हमने आज शाम को रखी थी। उसमें समाज के प्रतिष्ठित लोग, पॉलिटिकल पार्टियाँ और सीनियर सिटीजन्स, ये सबको हमने बुलाया था और उनसे हमने आह्वान किया है कि जो भी हिंदू मुस्लिम के बीच में नयानगर में हुआ है वो गलत इंफॉर्मेशन के वजह से हुआ है, और जो वीडियोस वायरल हो रहे वो वीडियोस के बारे में हमने उनको उसकी पूरी तहकीकात करके उसको प्रसारित न करें, इसके बारे में उनको समझाए। सर, एक खास वीडियो जो है इस समय काफी वायरल हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में ये घटना के बाद, दो दिन बाद, मीरा रोड स्टेशन पे आग लगी है, उसको लेकर आयुक्तालय से एक प्रेस नोट भी आया, वो क्या विषय है? हाँ, वो एक पुराना वीडियो है, उसको एडिट करके वो आज के दिन का दिखा के प्रसारित किया गया है। उसके बारे में हमारे आयुक्तालय ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। उसमें हमने लोगों को आह्वान किया है कि ऐसा कुछ मीरा रोड में हुआ नहीं है। जगह पे जाके पुलिस ने वेरीफाई भी किया है उसमें कि ऐसा, रेलवे प्रशासन से भी बात करके ऐसा कोई वाकया मीरा रोड में हुआ नहीं है और उससे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सर, लोगों को अभी भी संशय है कि मीरा रोड में क्या है वास्तविक, तो अभी मीरा रोड की परिस्थिति कैसी है, नयानगर का क्या माहौल है? मीरा रोड की परिस्थिति अभी अंडर कंट्रोल है, बाकायदा वहाँ पे पुलिस में तो वहाँ बहुत बड़े पैमाने में बंदोबस्त लगा हुआ है और अभी फिलहाल कोई ऐसी वाकया नहीं है। सर, आपकी कमेटी में जब मीटिंग थी उसमें कितने लोग शामिल हुए और क्या आह्वान करना चाहिए जनता को? 40 से 45 लोग हम आज मीटिंग में थे और अच्छी तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स किया। हमने सवाल जवाब के तरीके से भी लोगों से पूछा उनके व्यूज क्या है इस सिलसिले में, और ऐसे कुछ रहेगा, कुछ भी बाहर से लोग आते हैं अपने एरिया में और ऐसा कुछ माहौल पैदा करते हैं तो उसके बारे में भी हमें जानकारी देने के बारे में उनको सूचित किया गया है, और वीडियो कुछ आते हैं उनको देखे बगैर प्रॉपरली उसका सही गलत है ये समझे बगैर आगे प्रसारित न करने के बारे में उनको कहा गया और उसको जगह पे ही डिलीट करने के आह्वान किया गया। सर, कुछ समाज कंटक लोग जो है वो इस तरह के वीडियो जानबूझकर वायरल कर रहे हैं, उसके लिए पुलिस की क्या तैयारी है, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करने वाली? पुलिस उसके उसमें भी टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट कर रही है और उसमें ऐसा कोई कर रहा है उसके बारे में जानकारी ले रही है और उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। अवघड माणिकपूर परिसरा मध्ये सर्व जाती धर्माचे, पंथाचे आणि पक्षाचे लोक एकत्रपणे राहतात, गुण्यागोविंदाने राहतात, आपापले सण साजरे करतात, एक दुसऱ्याच्या सुखदुःखात सहभागी होतात आणि एक दुसऱ्याला वेळप्रसंगी मदत करत असतात, आणि त्यामुळे मला खात्री आहे की गेले अनेक वर्षापासून ती जी परंपरा आहे आणि वसईने प्रत्येक वेळेला इतर शहरांना आदर्शच दिलेला आहे
हीच शांतता या ठिकाणी प्रस्थापित राहील, कुठल्याही प्रकारचं या ठिकाणी जातीय मतभेद या ठिकाणी होणार नाही याची मला पूर्ण खात्री आहे, आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, पोलीस आणि त्यांची यंत्रणा हे देखील सर्वांबरोबर या बाबतीमध्ये चांगल्या प्रकारे सलोखा राखण्याचं काम करत आहेत, त्यांना देखील मी मनापासून धन्यवाद देतो। आणि प्रत्येक सुज्ञ नागरिकांनी हे जाणलं पाहिजे की सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जो काही प्रकार तरुणांच्या मनामध्ये आणि बुद्धीमध्ये भेद करण्याचा प्रयत्न केला जातो याला कुठेतरी आळा बसावा। कुणाल साहब क्या कहना चाहेंगे, आज जो शांतता कमेटी की मीटिंग थी उस पे क्या सवाल जवाब हुए, क्या बातचीत? अस्सलाम वालेकुम, मैं केजीएल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कल्लन खान। आज मानिकपुर में पीआई साहब ने यहाँ मीटिंग रखी थी और बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग रखी, और इसके अंदर यही मैसेज दिया गया था कि जो भी बाहर से ऐसा फेक न्यूज़ आता है या सोशल मीडिया के ऊपर आता है तो उसको वायरल ना करते हुए उसको डिलीट मार दिया जाए, जिसमें माहौल ख़राब ना हो। और यहाँ पे जो मीरा रोड में हादसा हो गया उसकी पुलिस ने काफ़ी इस चीज़ की निंदा भी की है, और वो लोग ने जो भी जिसको भी गिरफ्तार भी किया है, बाहर कहीं पर भी कोई इस तरीके का इशू नहीं हो कि लोगों में इस तरीके की तकलीफें आए और लोग परेशान हो। तो मेरी आप सबों से यही गुजारिश है कि यहाँ पे बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, सब लोग आए थे यहाँ पे और सब धर्म के लोग थे यहाँ पे, और जिस तरीके का जो मीरा रोड में हो गया वो यहाँ पे कहीं पर भी ना आज तक ऐसा हुआ है ना होगा, और वैसे ही बहुत शांत जगह है और बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे हम सब मिलजुल के ही आप प्रोग्राम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, हमारा सबका एक ही धर्म है और अपने अपने धर्म को अच्छी तरीके से हम लोग मनाते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक और मेंबर है यहाँ, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई से जानते हैं। अब्दुल भाई क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं केजीएन का समाज सेवक हूँ। आज वसई में स्टेशन के करीब मानिकपुर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मीटिंग रखा गया था। एक्चुअली वो शांति के लिए मीटिंग रखी गई थी, हर धर्म के लोग यहाँ आए थे, और ये यहाँ के पीआई साहब ने यही बताया कि मतलब सोशल मीडिया पे जैसे अफवाह बहुत सारा फैलता है, कहीं पे जो वारदात नहीं भी हुआ रहता है उसको भी एडिट करके लोग उल्टा सीधा बना के और लोगों में वायरल करते हैं, इसके वजह से क्या होता है माहौल खराब होता है, तो इसके लिए खासकर ये मीटिंग रखी गई थी। तो मुझे सब लोगों से यही गुजारिश है कि ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें, और अगर किसी के मोबाइल में ऐसा कुछ क्लिप आता है तो उसको डिलीट कर दें, और अगर ऐसा कोई भी माहौल खराब करने वाला बंदा अगर दिखता भी है तो प्लीज़ आप मानिकपुर पुलिस चौकी से संपर्क करें, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तो यहाँ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता गणेश साठे जी हैं, इनसे जानते हैं। गणेश भाई क्या कुछ हुआ मीटिंग में और क्या कहना चाहेंगे? आता जस साहेबांनी सांगितलं की सोशल मीडियावर वायरल होतात जे व्हिडिओ, फेक व्हिडिओ आहेत, कुणी एडिटिंग करून करतात, कुणी एडिट करून सगळे वायरल करतात, ते पोलिसांनी सांगितलं की बाबा असं कुणी करणार असेल तर पहिले त्यांना बघा खरोखर आहे का व्हिडिओ, ती नीट बघा पहिले, त्याची हे करा, नंतर मग त्याच्यानंतर तुम्ही सोशल मीडियावर करा, नाही तर नका, नाही तर हे कुणी करत असेल तर ते पोलिसांना लगेच कळवण्यात यावे, ही नम्र विनंती। एवढं बोलून 200 सभा होते। कार्यकर्ता मनसे पार्टी के पदाधिकारी सुजीत आगरे है, उनसे जानते हैं क्या सुजीत क्या कहना चाहेंगे, आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ? नमस्कार, आज राजू माने साहब ने हम लोग को मतलब अभी ऊपर मीटिंग जो हुआ, सब पार्टी के लोग थे और जो मतलब यहाँ के सब वरिष्ठ जो पदाधिकारी थे सब यहाँ पे थे, और जो राजू माने साहब ने बताया कि यहाँ पे जो शांति है वैसी शांति रहनी चाहिए वसई में, गए 50 साल से जो शांति बनाई है वैसी शांति आगे भी रहेगी, ऐसे सबने गवाही दी है। और हम लोग भी बता रहे जिधर भी कुछ अफवाह जो आ रहा है, जो भी वीडियो जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो कोई भी ऐसा मतलब वायरल मत करो, जो भी है वो डिलीट करके छोड़ दो, और अफवाह पे कभी भरोसा रखो मत। थैंक यू। एक मिनट, यहाँ हमने अभी जिन लोगों से बात की सभी का ये कहना है कि एक बेहतरीन ये मीटिंग हुई जिसमें यहाँ के सीनियर पीआई राजू माने साहब ने जो जिस तरह से लोगों को समझाया, और जो हकीकत भी है कि कई बार अफवाह आती है तो हम ही जो समाज का एक तबका है जो सामाजिक क्षेत्र में आगे रहता है सामाजिक काम में, उनको ही आगे बढ़कर लोगों को इस चीज से जागरूक करना चाहिए कि इस तरह की चीजों को न फैलाएं ताकि कोई माहौल खराब न हो। इस समय काफी शांति है क्षेत्र में, और
रही बात मीरा रोड की, तो मीरा रोड में पुलिस अपना काम कर रही है और वहां पर पुलिस का जाप्ता पूरा तैनात है। पिछले दो दिनों से हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है, पुलिस पूरी तरह से हालात के ऊपर काबू कर चुकी है। उसके बावजूद अगर इस तरह से कुछ जो ऐसे व्हाट्सएप के जरिए हो या फेसबुक के जरिए हो या सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम के जरिए कुछ ऐसा निकल के आता है जिससे एक बार फिर से हालात बिगड़ने जैसी नौबत आए, तो उससे बचने के लिए पुलिस यहाँ बार बार आह्वान कर रही है। हमको भी इस पुलिस के आह्वान में सहयोग करना चाहिए और ऐसी किसी भी सामग्री पर, पहले तो अगर सामग्री हमारे मोबाइल में आती है तो हमको वहीं उसको डिलीट कर देना चाहिए, और अगर कहीं किसी को फैलाने की जरूरत नहीं है ऐसा हमें लगता है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वैसे ही से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।